गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फ्रॉम नाइन्थ क्लास अगेन एंड आवर टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, सो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, उनको हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। ओके, सो दिस इज अवर टॉपिक। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ का रेफरेंस लेके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है उनको हम ड्राइव करेंगे। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, जहां पे u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम एंड s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एज्यूम, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एक हमें ग्राफ प्लॉट करना है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि मूव कर रही है। किस तरीके से, ये हमने टाइम ले लिया और इस एक्सिस पे ले ली हमने वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम उसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए वेलोसिटी हमने इस एक्सिस पे ले ली। तो हम क्या मानते हैं, लेट इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, ये हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है, लेट एन ऑब्जेक्ट starts to move with initial velocity small u at time t equals to zero, which is denoted in the graph by point A as shown। ओके, हमने ये माना कि ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसमें एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसे ओ पॉइंट लेते हैं और इसे ए पॉइंट लेते हैं। इस ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो यू है। ओके, और ठीक है, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे हम ये मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल ए से इंक्रीज करती है और फाइनल वेलोसिटी वी अचीव करती है। ओके, नाउ वी विल राइट दिस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी with uniform acceleration small a and in time small t, it gains final velocity कितनी गेन कर लेती है वो ऑब्जेक्ट, स्मॉल v गेन कर लेती है, स्मॉल v। ओके, which is shown in the graph। अब देखिए ग्राफ में कैसे शो करी जाएगी, ये हमारा कैपिटल ए पॉइंट हो गया जिसको हमने यू वेलोसिटी से डिनोट कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए से यूनिफॉर्म बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म बढ़ने का मतलब होता है इक्वल टाइम के साथ वेलोसिटी भी इक्वल इंक्रीज करे, ऐसा ग्राफ ये इंक्रीज करता हुआ शो करेगा। ओके, अब ये वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है टाइम टी में, यहां पे टाइम लेंगे हम टी, ये टाइम एक्सिस पे टाइम टी लिया जाएगा। ओके, यहां से और यहां तक का टोटल टाइम,
इस वाले हमने पॉइंट को बोला ए, इस पॉइंट को बोला बी, तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारी बी वेलोसिटी होगी, और ये कौन से बी पॉइंट पे, नॉर्थ पोल, विच इज शोन इन द ग्राफ बाई पॉइंट कैपिटल बी, ओके एज शोन, है ना, इसमें ये दिखाया गया है, ओके नाउ क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से यहां तक हमारे पास टी टाइम हो गया, ओके ये टाइम एक्सिस था हमारे पास, यहां से यहां तक टी टाइम हो गया, अब हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, और ये पोजीशन हो गई ए बी, इसको बोल दिया सी, इस पोजीशन को डी बोल दिया, एंड लेट से दिस पोजीशन इज पॉइंट ई जिसपे बी डिनोट हुआ है, ओके विच इज शोन इन द ग्राफ बाय पॉइंट बी, ओके नाउ ड्रॉइंग ग्राफ ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, ओके ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, ओके ए सी ऑन बी डी एज शोन, ओके ये हमें यहां से चीज ये ग्राफ से पता चल रही है, ओके ग्राफ से क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता चल रहा है, ओके ये चीज हमें नोट हो रही है। नाउ वी मस्ट, इस वाली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन में वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी आने के साथ साथ हमें ये भी बात पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो स्लोप होता है, स्लोप में ढलान जो होता है इस लाइन का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढलान होता है या स्लोप होता है वो हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, ये हमें बात पहले से नोन होनी चाहिए, ओके तो इसमें ये वाली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मतलब इसका ग्राफ का स्लोप प्लॉट करेंगे, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके यहां पे लिखेंगे सो फ्रॉम द ग्राफ, सो फ्रॉम द ग्राफ एक्सेलरेशन स्मॉल a इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके ये बात हमको पहले से ही नोन है, ओके सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए सी, ओके इट विल बी बी सी अपॉन ए सी, ब्रैकेट में यू मस्ट राइट, ओके फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ओके ये चीज हम लिखेंगे, और अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी सी की जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली बी सी की वैल्यू ई ए के बराबर होगी, ओके सो वी विल राइट ए बराबर बी सी इक्वल्स टू ई ए, ओके अपॉन दिस विल बी ए सी, ओके नाउ वी हैव फ्रॉम द ग्राफ, ओके ग्राफ में देखिए जरा ये जो ई ए वाली जो वैल्यू है, ये ई ए वाली वैल्यू अगर हम ई ओ में से ये एओ माइनस कर दें तो हमारे पास ईओ बचेगा, ईओ में से इस पूरे में से यहां तक में से ये माइनस करना है हमें, देन इट विल बी, ओके इट विल बी इक्वल टू ए इक्वल्स टू, इट विल बी ईओ माइनस एओ अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू टाइम टी, सो वी विल राइट बिकॉज ई ए इक्वल्स टू ईओ माइनस एओ एंड ए सी इज इक्वल्स टू टाइम टी, ये हमने आपको लिख दिया, ए इक्वल्स टू, अब यहां से क्या हो जाएगा ईओ जो वैल्यू है वो हमारी पूरी वी वैल्यू है, वेलोसिटी वी की वैल्यू है यहां से और यहां तक, ये वेलोसिटी ग्राफ है सो इस ग्राफ पे जो यहां से यहां तक वैल्यू है ये क्या है बी है, और यहां से यहां तक यू वैल्यू है, सो वी विल डिनोट दिस एज वेल दिस लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज यू वैल्यू एंड हेयर टू हेयर इट इज
वैल्यू बी। ओके, ये मैंने क्लियरली यहाँ तक डिनोट कर दिया, इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ईओ विल बी वी माइनस दिस विल बी एओ विल बी यू अपॉन टी। और वी मे राइट इस टी को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी ए टी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू। इस यू को इसके साथ ले जाइए, इट विल बी ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू बी और वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज हाउ वी विल ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वाली इक्वेशन हमारी इस तरीके से ड्राइव होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे ड्राइव होगी, हमें इसका स्लोप लेना है। स्लोप, स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्लोप मीन्स होता है दिस एंगल। ओके, और ये एंगल जो हम निकालते हैं वो टेन थीटा से आता है। ओके, लेटर ऑन इट विल कम इन टू ट्रिग्नोमेट्री, बट फॉर नाउ इन क्लास नाइन्थ यू हैव टू ओनली रिमेम्बर दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड विच विल बी इक्वल टू इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस साइड अपॉन दिस साइड, एंड यू कैन फर्दर मोर कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन।